दोस्त अफसर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज आपके सामने लेकर हाजिर रहा हूँ सीटेट का अपर प्राइमरी लेवल सेकंड पेपर पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स एंड साइंस गणित और विज्ञान के आंसर की 31वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो ए में है छात्र के विकास की निगरानी करना, ये भी उद्देश्य है। निर्देशक निर्णय लेना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, निर्देशक निर्देशन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। मूल्यांकन का उद्देश्य बी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। 32वां प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसमें समस्या समाधान विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? तो किसी समस्या सभी सूत्रों को याद करना, ये भी ज़रूरी है, लेकिन कमजोर शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उस पर एक समस्या को कई बार हल करना, ये सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यक है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 34वां उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ रणनीति बच्चों को उनके विचार समझ व्यक्त करने वाले रचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है, दूसरा ऑप्शन सही है। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में है। बच्चों में इस प्रकार की भ्रम का कारण क्या हो सकता है? तो अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है, इसलिए वो बच्चे उलझन में, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित से कौन सा हो सकता है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनको उपयोग करते हुए समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की समझ में अंतर जानना होता है ताकि उसका निदान किया जा सके, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण सहायक है कमज़ोर बच्चों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। 39वां निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? आंकलन, मापन, मार्गदर्शन, ये सब गणितीय प्रक्रिया हैं। 30 चौथा ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न है गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये कथन है। 41वां प्रश्न है आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों यात्रा की योजना बना सकता है क्योंकि यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा, बी सही है। और आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रसाद करती हैं, सी भी सही है। तो इसमें ऑप्शन पहला सही है, बी और सी। अगला प्रश्न है एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला है, तो गणना में त्रुटि का कारण है। छात्र सतह का क्षेत्रफल आयतन की अवधारणा को समझ गया है, इसलिए उसने आयतन निकाल दिया है, तो डी सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? यानी 25 में से 4 महिलाएं थीं तो 100 में कितनी होंगी? तो ये 16% हो जाएगा, 4 × 16 = 25 × 100 = 16/100 महिलाएं, ये 16% हो गया, पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये बेचता रही थी? 10% की कमी की यानी 100 रुपये में 10 रुपये कम किए, तो 500 रुपये में 50 रुपये कम हो जाएंगे, तो ये अब 450 रुपये बिकेगी, तो पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है नीचे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में एक डेटा सेट किया गया है, डेटा का परिसर क्या होगा? तो -8 से लेके +8 तक चेंज हुआ है, तो इसका परिसर 16 °C होगा, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 46 में एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है, परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं, तो चित प्राप्त करने की संभावना क्या है? टोटल घटनाएं हमारी 10 हैं और चित आने की संभावना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6/10, 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो ये आ जाएगी 3/5, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है संख्यात्मक व्यंजक 3/7 और -7/8 = 25/56 दिखाता है कि इसको सॉल्व करें, तो ये -25/56 आएगा, तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन सही है, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित
3D यानी 3 डायमेंशन आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है, तो गोले में शीर्ष नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि 5/7 चार घात, 5/7 प्रिंट 3 और बराबर है 5/7 5x माने दो, तो x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू यहाँ से निकली है 3/5, तो पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मानिए ए बी सी तीन परिमेय संख्या है जहाँ a और b c की वैल्यू दी, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा c प्लस बी ए प्लस बी, तो पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दर्शाता है, तो ये पाई चार्ट है, चौथा ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि q एक प्राकृतिक संख्या है p का वर्ग है, तो q p का वर्ग है, तो p q का वर्गमूल होगा, तो चौथा ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, √91 + √76 + √121, तो इसका हम वर्गमूल लेंगे 11 हो जाएगा, 11 * 70 = 81, तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, और 9 इसमें जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल हो जाता है 10, तो चौथा ही ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति पौधों की संख्या और पंक्ति की संख्या समान ही रहे, तो इसमें 784 का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 28, तो ये ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्श्न है, यदि दो राशियां एक्स वाई एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते और बढ़ते हैं तो उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है, तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया है, 7y में 6 का गुणा करें तो y यानी ट्रिपल y आ रहा है, तो y का मान क्या होगा? तो इसका y की जगह 4 रखें तो ये हमारा सही बैठता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 700 मीटर² क्षेत्रफल की एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर की पानी की आवश्यकता होती है, टैंक की पानी की स्तर की ऊंचाई क्या होगी? तो ये सॉल्व करने के बाद 20 सेंटीमीटर आती है, तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का क्वेश्चन पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? तो मॉडलों का प्रयोग, बहुत सारी समस्याएं, प्रश्न हल करना, तो ये इसका ऑप्शन दूसरा ही सही है। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 बार गुणा करने को कहा है, तो उनके छात्र में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया, 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, 96 बनता है, 96 और 96 जोड़ते हैं 100 बनता है, तो इसका उत्तर 192 आएगा। तो इस गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर, उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है, इसलिए जोड़ के उसने आंसर निकाला, तो दूसरा ऑप्शन सही है। गणित का 60वां प्रश्न और ये 30वां प्रश्न है, ये बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित से कौन सी की जानी चाहिए? तो इसके लिए बच्चों को समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है।